हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हायर इन्वर्टर एयर कंडीशनर के F7 एरर कोड के बारे में। हायर इन्वर्टर एसी में F7 एरर कोड क्यों आता है और किस वजह से आता है, क्या प्रॉब्लम होती है और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रस्टवर्थी होम सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रस्टवर्थी होम सर्विसेज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके रोज की न्यू वीडियो देखते रहें। तो गाइस, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे हायर इन्वर्टर एयर कंडीशनर के F7 एरर कोड के बारे में। हायर इन्वर्टर एयर कंडीशनर में F7 एरर कोड क्यों आता है और किस वजह से आता है, क्या प्रॉब्लम है और इसका क्या सॉल्यूशन है। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, इंडोर यूनिट से रिलेटेड फॉल्ट नहीं है ये, तो आपको इंडोर यूनिट को खोलने की जरूरत नहीं है। और गाइस, मैं आपको जैसे जैसे बताऊं आपको वैसे स्टेप बाय स्टेप काम करना है, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस, आपको डायरेक्टली आउटडोर यूनिट पे जाना है, सप्लाई और जो हमारी पावर सप्लाई होती है उसको ऑफ कर दें, आप डायरेक्टली आउटडोर यूनिट पे जाएं और उसको खोल दें। आउटडोर यूनिट को खोलने के बाद में एक हमारा जो कंप्रेसर पे एक डिस्चार्ज लाइन होती है, एक सेक्शन लाइन होती है, तो हमें जो सेक्शन लाइन में हमारा जो टेम्परेचर सेंसर लगा होता है तो सिर्फ उसको चेक करने की ज़रूरत है। हमें उस सेंसर को ये चेक करो, उसकी जो सेक्शन लाइन से जो लगा हुआ है उसकी पहले सबसे पहले तो वायर चेक करो जो PCB कार्ड में लगी हुई है कि वो वायर बीच से कहीं कटी हुई तो नहीं है। अगर कटी हुई है तो आप उसको ज्वाइन कर दो, अगर कटी हुई नहीं है तो फिर PCB कार्ड में उसको देखो जैक उसका मतलब वहाँ से लूज तो नहीं है, एक बार निकाल के साफ करके दोबारा लगा के देखो और एक बार फिर AC ऑन करके देखो, हो सकता है आपके AC से F7 एरर कोड हट जाए। बट गाइस, अगर साफ कर दिया आपने जैक और अगर वायर आपने जॉइंट कर दी अगर कटी हुई थी उसके बाद भी अगर F7 एरर कोड देखने को मिल रहा है तो फिर समझ लो सेंसर में ही इशू हो, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। कुछ नहीं करना है आपको, आपको सेक्शन लाइन का टेम्परेचर सेंसर को चेंज कर देना है। आपको मार्केट से ले आओ, अगर आपके पास में अवेलेबल है तो वहीं पे आप उसको चेंज कर देंगे, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। ये जो हमारा F7 एरर कोड देखने को मिलता है हायर इन्वर्टर एयर कंडीशनर में, तो वो जो हमारा सेक्शन लाइन का टेम्परेचर सेंसर रहता है उससे रिलेटेड रहता है, आप उसको चेंज कर देंगे आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस, आई होप सो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो गाइस, चलते हैं, फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।